पहले एक बड़ी खबर हम आपको दे दें। यूपी में चार बड़े अफसरों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। आईएएस अफसर विमल शर्मा के पांच ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मैनपुरी में विमल शर्मा के पैतृक घर पर भी रेड हुई है। मेरठ से आए आयकर विभाग के अधिकारी अनुराग दुबे को विमल शर्मा के ठिकानों पर रेड की जिम्मेदारी खासतौर पर दी गई है। इस छापेमारी के पूरे ऑपरेशन में आयकर विभाग के 400 अधिकारी शामिल हैं। 150 गाड़ियों में ये लोग आए हैं और अभी ये छापेमारी पूरी उम्मीद है कि आगे और बढ़ेगी। और अभी तो चंद कुछ नाम सामने आए हैं, अभी आगे और भी नाम सामने आएंगे। अनुराग चड्ढा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या अपडेट इस बाबत? देखिए, इनकम टैक्स के अधिकारियों ने करीब एक सप्ताह पहले स्ट्रेटेजी बना ली थी कि किस तरह से उनको छापेमारी करनी है। और जो विमल शर्मा आईएएस अधिकारी हैं, विशेष तौर पर इन पर निगाह है इनकम टैक्स के अधिकारियों की। शायद यही वजह है कि जो इनकम टैक्स विभाग के बड़े अफसर हैं, उन्होंने अनुराग दुबे को स्पेशल मेरठ से बुलाया है। अनुराग दुबे को काफी ईमानदार अधिकारी कहा जाता है, बहुत कड़क अधिकारी है ये। और विमल शर्मा के पांच ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एक जो उनका पैतृक घर है वो मैनपुरी में है, इसके अलावा जो नोएडा का सेक्टर 50 है यहाँ पर निकली बड़ी कोठी है, एक जो स्टेलर हाउस है नोएडा में वहां पर इसका घर है, गुड़गावा और दिल्ली में इनके करीब 5 ठिकाने हैं। सुबह सुबह जब ये अपने घर पर मौजूद नहीं थे तो इनकी पत्नी घर पर थी, इनको बुलाया गया, करीब 10 बजे ये अपने घर आए। इसके बाद इनके बेटे, इनके भतीजे, सभी से यहाँ पर रेड की कार्रवाई चल रही है। हमें जानकारी मिली है कि एक बोरी भर के इनके घर से दस्तावेज मिले हैं जो कि बेनामी संपत्ति से। तो आईटी विभाग सख्ती से, साफ है अनुराग, आगे बढ़ रहा है और कड़ी नजर आईटी विभाग ने टिकाई हुई है। अभी तो कुछ नाम सामने आए हैं, अभी ये कितना बड़ा नेक्सस होगा, कितने और ऑफिसर्स के नाम सामने आएंगे, इस पर निगाह टिकी हुई है। अपडेट के लिए अनुराग, हम वापस लौटेंगे, निगाह रखिएगा।